हमारे पास नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर दे रखे हैं। ज्यादातर एग्जाम में छोटा नंबर ही आता है, 3 डिजिट का नंबर आता है एग्जाम में। तो अब यहाँ पर वो बहुत सारे नंबर दे रखे अलग अलग, हमें क्या करना है, हमारे पास संख्याएं दे रही है, लिखा हुआ निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखी हुई संख्याएं, ये वाली नंबर दिए हुए, हमें क्या करना है, इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताया हुआ है आपको, क्या क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता है। तो इसने बोला है कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो ये जो संख्या है ना, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, भाज्य को हमें किसमें चेंज करना है, अभाज्य गुणनखंड में। और फिर लिखा हुआ है गुणनफल के रूप में लिखो, गुणा मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना आपको, बीच बीच में इनको लिखना है, व्यक्त करना है। क्या करेंगे देखो, ध्यान देना, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। देखो हमारे पास ये नंबर है, आगे नंबर और दे रखा है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर, एग्जाम में कोई एक ही आता है, इतना सारे देर के कोई आपके एक ही एग्जाम आता है, और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। और हमें रफ में सॉल्व करना उसको, ऐसे जैसे 140 है, ये संख्या भाज्य है और हमें इनका यूज करना है, इनका भाग देना है। जैसे यहाँ पर पीछे 0 है तो हमेशा 0 में पीछे 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देना मतलब संख्या को आधा करना, इसका आधा कितना होता है 70, फिर 2 का भाग देंगे इसका आधा कितना होता है 35, इसमें पीछे 5 आ गए तो 5 का भाग जाएगा। अब 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार, फिर 7 का देंगे तो 1 बार, 7 तो यहाँ आ गया ना, जो नंबर यहाँ आ जाता है इसमें तो समझ लो उसमें उसी का भाग जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, 2 कितनी बार आया बताओ, 2 आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, और 7 कितनी बार आया, बस इसको ऐसे लिखना है, टुकड़े करने ऐसे इस टाइप लिखना को, ये है आपके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यहाँ गुणनफल मतलब गुणा करने पर, तो यहाँ पर बीच में गुणा का साइन भी होना चाहिए। आपको इस संख्या को ऐसे लिखना है, जैसे 156 दे रखा है तो हमें क्या करना है, 156 को फॉल करो, ऐसे रफ में कर दो, पीछे तो भी चलता है, 2 का भाग देंगे, 7 बार गया 1 बच गया, 16 हो गए, अब जाएगा 8 बार, 2 का भाग देना मतलब आधा करना, जैसे 7 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, पीछे 1 बच गया, अब जाएगा 9 बार, जब तक पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 का भाग देना है। अब पीछे 9 आ गया, 9 और 3 12 तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 1 बार, इधर 3 बार, और 13 ये रहा, 13 में 13 का ही भाग जाता है और उससे भाग जाता ही नहीं। हम यहाँ लिख देंगे 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, और 13 कितनी बार आया 1 बार, ऐसा। इसी प्रकार आपको इसका भी करना है हल हर एक का, ये तो आपको रफ में करना है ये वाला। अब अगला आपके दे रखा है 3825, इसमें हम भाग देंगे किसका, 5 का भाग, तो पीछे 5 है, 5 का भाग दिया तो भाग गया 7 बार, पीछे बच गया आपके 3 भाग जाएगा 6 बार, पीछे 2 बच गया तो भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग 2 1 बार, फिर 5 बार 1 बच गया तो 3 बार, अब 3 का भाग जाता है 5 बार और 1 बार, फिर 3 का भाग जाता है 17 बार, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है। अब यह बार बार ट्राई करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, या गुणा भाग थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। बताओ इसमें 3 कितनी बार आया, 3 आया है 2 बार, 5 भी आया है 2 बार, और 17 आया है आपके 1 बार। आप मर्जी है जिसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस तीनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। 17 अभाज्य है, 19 है 23 है 29 है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य। अगला देर का है 5005, इसमें पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा 1 बार 0, 0 और 1 बार, अब 7 का भाग जाता है सीधा, वो तो आप बार बार करोगे तो आपको याद होगा, या फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा, इसको ट्राई करो या ट्राई करो, फिर यह 7 का ट्राई करो,
सात का भाग जाता है एक बार, सात एकम सात, पीछे बच गया तीन, सात चौक अट्ठाईस, पीछे बच गया दो, सात या इक्कीस। इसमें केवल ग्यारह का भाग जाता है तेरह बार, और तेरह का भाग जाता है एक बार, तो क्या आएगा इसका उत्तर? पांच एक बार, सात एक बार, ग्यारह एक बार और तेरह एक बार। ऐसे हम यहां पर लेने वाले हैं 7429, इसका उत्तर यह आने वाला 17, 19, 23। इसमें इन तीन संख्याओं का भाग जाता है, वो तुम यहां ट्राई कर लेना, 17, 19, 23 आए इसी तरह सेम। अब देखो ये तो हो गया ऐसा, अब इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता सेम, मतलब यही नंबर दिए हुए आएंगे और कुछ दूसरा पूछ ले आपसे। दूसरा क्या पूछेगा? देखो एग्जाम आया हो बोर्ड में, आपसे पूछ लिया घातांकों का योग बताओ, क्या पूछ ले आपसे? घातांकों का योग, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ पावर, इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ पावर, घातांकों का योग याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हमें 140 के घातांकों का योग बताना, तो क्या करोगे? इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना सेम तरीका, और लास्ट में क्या करना है, इसमें तो घात देखो जैसे 140 है, इसके घातांकों का योग बताना है, तो पहले क्या करोगे आप, इसको ऐसा लिखोगे कि दो कितनी बार आया, दो बार, पांच कितनी बार आया, एक बार, सात कितनी बार आया, एक बार। अब ये बोला है कि हमें घातांकों का योग करो, घातांक मतलब ये ऊपर वाली पावर, ये दो एक एक बताओ, दो प्लस एक प्लस एक कितना हो गया, चार। अगर ये पूछे तो, अगर इसने ऐसा पूछा ना तो हमें यही करना है ये वाला, और पूछ लिया घातांकों का योग बताओ तो हमें घातांकों का योग बताना, तो हमें ऐसे घातांकों का योग भी आना चाहिए। अब यही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और बनता है इसी क्वेश्चन में, जैसे आपके आ गया 140, यही 140 भी बताया था आपको, दो आया दो बार, पांच आया एक बार, एक बार सात, ये आया। इसको तो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। दूसरा आया था घातांकों का योग, मैंने बता दिया। तीसरा ये आता है, इसको ऐसे लिख के, इसको ऐसे लिख दे। देखो अभी मैंने एक भाग दिया था 140 में, भाग दिया था दो का कितनी बार गया, 70, फिर दो का भाग दिया कितनी बार गया, 35, फिर पांच का दिया तो सात, फिर सात का दिया तो एक। अब ये क्या करेगा, 140 को ऐसे लिखेगा, 140 के इसने कर दिए दो टुकड़े, ये दो, ये और ये, एक तो हो गया दो और एक हो गया 70। अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये नंबर आएगा। अब आते हैं अगले टुकड़े में, ये दो नंबर इसके करो, 70 के दो टुकड़े कर दो, क्या आएगा, 2 और 35। अब 35 के टुकड़े हो रहे हैं इसके आगे, 35 का हो रहा है 5 और 7 ऐसे। अब देखो इसका उत्तर क्या आएगा, ये आएगा इसका जो सबसे लास्ट में बचे ना एंड में, ये वाला आगे बुक में भी देर का एग्जांपल में तो ऐसे दिया इस टाइप से ऐसे, तो जो लास्ट नंबर बचे ना ये वाले 1, 2, 3 और 4, आगे और टुकड़े तो और टुकड़े भी आपको करने हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में नंबर गायब कर देता है, जैसे अगर मान लो कह दिया भाई यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हमें ज्ञात करना, ये दो नंबर इसने गायब कर दिए, हमें बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आने वाला है, यहां लिख दिया x और यहां लिख दिया y, और हमें x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अगर आ जाए पूछे क्या करना, देखो पहले x ज्ञात करना है, x जो है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो वापस इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, तो x का मान कैसा आएगा, 5 को गुणा करना पड़ेगा 7 से, तब जाके आपको मिलेगा x का मान, कैसे मतलब इनको गुणा करोगे तो ये आएगा। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा आ जाए, ये तो दिया हुआ है ना, ये गायब हो जाए, ये दिया हुआ है और कह दे कि ये वाला ज्ञात करो, जेड का मान ज्ञात करो, जेड ने ध्यान लिख देते हैं, ए का मान ज्ञात करो, जैसे यही क्वेश्चन है, ए और वाई का मान ज्ञात करो, ऐसा आ जाए तो इसके टुकड़े करेंगे, ये होता है। देखो इन दोनों को गुणा करूंगा, किसको, ए को और सात को गुणा करूंगा, क्या आएगा आपके, 35, इसको इससे गुणा करूंगा तो यही संख्या आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये गुणा में कहाँ जाएगा, ये गुणा है तो भाग में जाएगा, तो ए का मान आएगा 35/7 बराबर क्या आएगा, 5,
इधर में से, यहां से, इधर से, इधर से, यहां से, कहीं से भी एक नंबर गायब होगा वो ज्ञात करना आना चाहिए। ये नंबर बनता है इन दोनों के गुणा से, ये बनता है इन दोनों के गुणा से। अगर आपको वाई का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों गुणा करोगे तो वाई आ जाएगा। इसका गुणा करने पर यह आता है, इसका गुणा करने पर यह आता है, इनको गुणा करने पर यह आता है। आप चाहो तो इधर से भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे इसको और इसको गुणा करूंगा, इसको से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 140। गुणा है तो y का मान कितना आएगा बताओ भाई, 70। क्या आएगा? अब यहां पर करते हैं ऐसे, इसको और इसको गुणा करूंगा तो y आएगा। अगर मैं दो को किससे गुणा करता हूं 35 से, तो कितना हो जाएगा 70। आप चाहो तो इधर से ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो आप इधर से ज्ञात कर सकते हो, जैसे मर्जी है उस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपको पहला तो काम ये आना चाहिए, ऐसा नंबर दे रखा है इसको ऐसे टुकड़ों में लिखना आना चाहिए। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। दूसरा आता है ये वाला, बताया था अभी आपको, हमें बताना है घातांकों का योग, कितनी घात आई। या सिंपल अगर समझ में नहीं आ रहा घातों का योग नहीं आता तो ऐसे कर लो, आपने कितनी बार भाग दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो चार बार क्या आ जाएगा आपके, ये लिखा हुआ आएगा चार बार। ऑप्शन ऐसा आएगा, ये आ गया सवाल, ऑप्शन में आता है ज्यादातर एमसीक्यू ऐसे, ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ आएगा, एक, दो, तीन या चार। तो चार है तो चार पर क्लिक कर दिया, राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। ज्यादातर तो इस टाइप का आता है एमसीक्यू का। तो घातांक का योग पूछे तो आपको ऐसा लिखना है, जितने भी पेपर आए हुए हैं वर्ड पेपर पहले भी पूछा गया, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ताकि एक्सरसाइज खत्म हो उससे पहले पहले जितने क्वेश्चन बनते सब बता दूँ। तो ये घातांकों का योग आपको आना चाहिए, दूसरा आपको ये आना चाहिए किसी संख्या को ऐसा लिखना आना चाहिए, तीसरा अगर यहाँ पर कोई नंबर गायब है तो ज्ञात करना आपको आना चाहिए। इनको गुणा करने पर यह आता है, इसको गुणा करने पर यह आता है, इनको गुणा करने पर यह आता है, या इसमें भाग देंगे इसका तो यह आएगा, इसमें इसका भाग देंगे दिया है, ऐसे भी कर सकते, टुकड़े भी करने। यहाँ पे आप ये से ले सकते हो, ये हमारा मेन नंबर है ये वाला, फिर ये अगला पार्ट, फिर ये अगला पार्ट, फिर ये अगला पार्ट, ये आगे 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 बनते रहेंगे, तिरछे बनेंगे ऐसे। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए, टुकड़े करने भी आपको आने चाहिए, और साथ में आपको घातांकों का योग जो बोलते हैं ये भी आपको आना चाहिए। मतलब इस एक ही क्वेश्चन में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया था, कोर्स में नहीं था फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पुरानी बीच में एक बार कोर्स चेंज हुआ था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने अभी तक चलाए हैं यार, वो एग्जाम में देते जा रहे हैं। तो उनका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, घातांकों का योग आपको आना चाहिए, फिर ये वाला गाइब नंबर है तो वो भी आपको आना चाहिए। आयर की पेजम अगले क्वेश्चन ले आओ, देखो पहले कह रहा 26-91। पांच सौ दस और 92 36 और 54
लो इधर ध्यान दो, पूर्णांकों को निम्न, हमारे पास पूर्णांक दे रखे, ये रे पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई संख्या 10, 20, 50, 30 कुछ भी, इसको बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं इंटीजर। हमारे पास दो संख्या दे रखी, नंबर दे रखे दो हमारे पास, हमें क्या करना है, इसका एचसीएम भी फाइंड करना है और इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है, जांच भी करनी है कि सही है करनी है, फिर क्या करनी है आपको, जांच करनी है, जांच को इंग्लिश में बोलते हैं वेरीफाई करना। हमें जांच भी करनी है कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है या फिर नहीं है। तो पहले तो हमें इन दोनों के एचसीएम एलसीएम ज्ञात करने हैं और फिर हमें जांच करनी है। बिल्कुल सिंपल, ध्यान लगाना, हमारे पास नंबर है 26 और 91, ये नंबर है, इसका हमें एचसीएम भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को क्वेश्चन नंबर एक की तरह टुकड़े करने, हमें लिखना है ऐसे 26 में बताओ किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 का जाएगा 1 बार, बताओ कितना आया, 2 × 13, ये रफ में कर सकते हैं, मन में आता है तो मन से कर लो, ये 26 तो 13 के पार्ट में आता है, 13 × 28, फिर आता है आपके 91, 91 किसका भाग जाता है 7 का, कितनी बार जाएगा 13 बार, फिर 13 का देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, तो बताओ क्या आया 7 × 13। तो पहले तो आपको ऐसे टुकड़े करने आने चाहिए, टुकड़े कर दिए ऐसे जैसा अभी बताया पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन सीखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, तीसरा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और चौथा भी ऐसा ही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेन चीज है टुकड़े करने आपको आने चाहिए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले हम लेते हैं यहां पर HCF, HCF में ऐसा नंबर जो इधर भी आया इधर भी आया, बताओ कौन सा नंबर, 13, 13 यहां भी है 13 यहां भी है, तो जो दोनों तरफ है वो होता है आपका HCF होता है। अब लेते हैं यहां पर LCM, LCM में सारे नंबर लेने, जो भी यहां लिखा हुआ है, जो भी आपके अभाज्य संख्या है, जो भी आपके प्राइम नंबर है ना, वो लेना है आपको, उसको तो क्या आएगा, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। अगर इसके ऊपर घात है तो घात भी आएगी, अब यहाँ कहीं पर भी घात नहीं है, पावर नहीं है ऊपर, डिग्री नहीं है, नहीं है तो नहीं लगानी। अब इनको गुणा करेंगे हम, 2 × 7 = 14 × 13, 182 कितना हो गया, गुणा कर लेना तीनों को, पहले 2 को 7 से गुणा करना है, ये नंबर होता है, इसको 13 से गुणा करना है तो फिर ये नंबर आएगा, और गुणा आप घर पे ट्राई करते रहना। तो ये आ गया आपके HCF और आ गया आपके LCM, दोनों हमने ज्ञात कर लिए। ये ज्ञात करने के बाद आपको चेक करना है कि ये जो किया वो राइट है या नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, जांच करते हैं इधर। अब अगर हमें करना है जांच करनी है, जांच मतलब मुझे वेरीफाई करना है, फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लिखा हुआ रहता आप तो अच्छी बात, नहीं लिखा हुआ तो याद कर लेना, और इसको ध्यान रखना जाओ लो, ये दो संख्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, दो संख्याएं जो दे रखी है इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करने पर जो फल आता है उसको बोलते हैं गुणनफल, गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं। या ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, सिंपल है, इन दोनों संख्याओं का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है। देखो इसमें हमारे पास दो साइड है, एक साइड तो ये है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये राइट हैंड है तो उधर वाला राइट हैंड है, ये आ जाएगा आपके राइट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हैंड है मेरा तो लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा नहीं है ये बोर्ड तो उधर की तरफ इसका मुंह इधर है तो मैं घूमकर ऐसे लिखूंगा, ऐसा नहीं, जिधर मैं लिख रहा हूं जहां मेरा हाथ है मेरा राइट हैंड यहाँ है तो ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दोनों उत्तर बराबर आना चाहिए। तो पहले हम ट्राई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, हमें दोनों नंबरों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मसअप को लसअप से गुणा करना है, HCF को LCM से क्या करना है, गुणा करना है, करो मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों गुणा करो इन दोनों को, संख्याओं को जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर,
इनको आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है और यहां पर हमें लिखना है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 13 को गुणा करना है 182 से, दोनों तो बराबर आना चाहिए। यहां पर देखो 26 एकम 26, अब 26 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा, 234 आता, कितना आता 234, और पीछे 2 बच गए, 34 और 2 होते हैं 36, 26 एकम 26 है नहीं, मैंने यहां एक ही लिखा, 26 एकम 26, पीछे बच गए 2, 26 इंटू 9 होता 234 और 2 होते हैं 236, ये आया। अब यही उत्तर इसका आना चाहिए, 13 दुना 26 असल के 2 और 104, 13 104 और 2 106 हैं, असल का 10, 13 और 10 होते हैं 23। अब देखो कि जो इधर आया वो इधर आया सेम, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, मतलब अभी तक जो मैंने किया वो एकदम करेक्ट है, मतलब मैंने ये दोनों ज्ञात किए वो सही है, क्योंकि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो चुका है, तो लास्ट में जांच हो गई आपकी, तो लास्ट दोनों बराबर हो गए। कुछ आया दिमाग में, समझ आ रहा नहीं आ रहा बोल देना, कुछ भी डाउट है तो फिर मत कहना कि समझाया नहीं मैंने, तुम ही नहीं समझ रहे हो, कोई इलाज नहीं उसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। अगला देखो, ये नंबर हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 510 और 92, हमें इन दोनों का HCF LCM ज्ञात भी करना है और जांच भी करनी है। पहले लेते हैं 510 और फिर लेते हैं 92, देखो 92 का मतलब होता है 23 चौक 92, ये होता है। अब 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 इंटू 23, नहीं तो ऐसे करते कर लेना, नहीं आता है ऐसा कर लेना। अब है 510, जैसे देखो 510 है ना, इसका मतलब होता है 51 इंटू 10 होता है, कितना होता है 51 इंटू 10, 51 का मतलब होता है 70 51, और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, तो क्या आया बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 1 2 3 4 नंबर, छोटा पहले बड़ा बाद में, 2 3 5 17, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 पैर लिखो 3 पैर लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जैसे मर्जी ऐसे लिख देना, क्या क्या समझे, टुकड़े करने हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं ना सेम वैसे टुकड़े करने हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है HCF ज्ञात करना, ऐसा नंबर जो इधर भी है और इधर भी है, कौन सा नंबर है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 क्या आ गया अभी आपके HCF आ गया। अब हमें लेना है LCM, LCM में सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा 3 भी आएगा 5 भी आएगा 17 भी आएगा और 23 भी आएगा, अधिक से अधिक घात कितनी है, 2 घात है। अब गुणा कर देखो, 2 दुनी 4 4 3 12, 12 5 60, 60 × 17 करोगे 70 6 102, इसको इससे गुणा कर लो, देखो 0 का 0, 23 का डबल 46 और 23 एकम 23, ऐसे हम अपने हिसाब से गुणा भाग कर लेना जैसा आपको आता है, इन सबको गुणा करना आपस में तो ये नंबर आएगा 23,460, तो काट दो इसको। अब हमारा अगला काम क्या है, जांच करना, क्या करना भी आपको, जांच करना वेरीफाई करना, जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब इसमें 2 साइड है, एक तो है भाई आपके लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या दिया हुआ है आपके बताओ, पहली संख्या को दूसरी से क्या करना है, आपको गुणा करना है, और राइट हैंड साइड में आपके क्या दिया हुआ है कि HCF को हमें क्या करना है, LCM से गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। अब देखो ध्यान दो इधर, सबसे पहले लेते हैं दोनों, इन दोनों गुणा, 510 को गुणा करना है 92 से,
देखो जीरो का जीरो, बोरणु एकम बोरणु, असल का पांच के नौ, नौ असल कितना बच गया, असल का नौ हो गया, बोरणु का आधा, मैंने मतलब पांच से गुणा करते हैं आधा करते हैं, बोरणु आधा कितना होता है 46 होता है, एक जीरो लगा दो 460, 460 और नौ कितना होता है 469, 469 20। अब हमें ये लेना है HCF इंटू LCM लेना है, बताओ HCF कितना बताओ दो और LCM कितना है 23,460। गुणा कर देखो, यहाँ दो का गुणा करना है, सबको डबल कर दो, देखो जीरो का जीरो, 46 का डबल 92 और 23 का डबल 46, आगे दोनों बराबर। हमें यहां पर क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड। तो पहले आपको यहां पर दोनों को ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। अब तुम्हें गुणा भी नहीं आता तो वो तो सिखाने वाला होने में, कि आ जाओ पहले क्लास में बैठ जाओ। एक और देख ले, यहां पर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 336, क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 54, 336 और 54, ये दो नंबर हमारे पास है। पहले इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये नंबर कहाँ आता है, ये आता है आपके 9 6 54, 9 का मतलब ये और इसका मतलब होता है 3 2 6, बताओ दो दो कितनी बार आया, एक बार, और 3 कितनी बार आया 3 बार, एक बार यहां पर और 2 बार यहां पर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 27 9 54 लिख सकते हो आप, चौथ भाई 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। नहीं आता समझो, टुकड़े कर लेना, बताया हुआ है कैसे करते हैं, कैसे टुकड़े कर देना। और इसका मतलब होता है देखो, नहीं आता है 54 को भी ऐसे कर लेना, 36 का मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे, देखो 2 का भाग 2, एक बार एक बच गया 6 बार, एक बच गया 8 बार, फिर 2 का भाग 2, 8 बार 4 बार, फिर 2 का भाग 2, 4 2, फिर 2 का भाग 21, फिर 3 का भाग 7, 7 7 का जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 2 कितनी बार आया 4 बार, 3 कितनी बार और 7 कितनी बार 1 बार, 7 का 7 1 बार जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मसब भी ज्ञात करना है और लसब भी, HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं HCF, ऐसा नंबर तो इधर भी है और इधर भी है, 2 और 3 कितना हो गया 2 3 6, कम घात यही है, 2 3 इधर भी है 2 3 इधर भी है, यहां पर 4 बार है 1 बार, तो जो कम है वो लेंगे, HCF में कम लेते हैं LCM में ज्यादा लेते हैं, 3 इधर भी है इधर भी है तो कम कितनी बार है 1 बार, तो वो लेंगे। अब हम लेते हैं यहां पर LCM, सारे नंबर लेंगे, 2 भी आएगा 3 भी आएगा और 7 भी आएगा, अधिक से अधिक घात आएगी, 2 कितनी बार 4 बार, 3 कितनी बार 3 बार। अब ये गुणा कर लेना आप, कितना होता है, ये होता है 16, 16 गुणा करेंगे 7 से कितना आएगा 112, गुणा करेंगे कितना आता 27, गुणा करना ये आएगा 3024, क्या आएगा ये गुणा कर लेना भाई, इसको इससे गुणा करोगे तो यही नंबर आएगा 3024। अब हमें क्या करनी है यहाँ पर, जांच करनी, क्या करनी है यहाँ पर, हमें जांच करनी है कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। जांच का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब जांच करने के लिए हमारे पास दो है, देखो एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपके राइट हैंड साइड। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, फिर HCF को किससे गुणा करना है LCM से, ये दो चीजें करनी है आपको। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर देखो, ये पहली संख्या को दूसरी गुणा करना, ये रही दो संख्या हमारे पास, मतलब मुझे इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है, गुणा करना है और यहां लिखना है, फिर इनको गुणा करना आपस में, 6 को गुणा करना है 3024 से, देखो ऐसे 24 × 6 होता है 144 और 6 होते हैं 18, यहां पर भी यही आएगा, गुणा भाग करोगे तो अपने हिसाब से देख लेना,
यहाँ पर ये है, वहां पर यही आने वाला है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हैं, राइट हैंड साइड के। मतलब इन दोनों का गुणा, और इन दोनों का गुणा हमेशा बराबर ही आएगा। क्यों आएगा बराबर, देखो ये दो और तीन, ये नंबर और ये नंबर तो मैंने ले लिया यहां पर, अब बाकी बचे तीन नंबर ले लिए मैंने यहां पर, तो इन्हीं नंबरों को मैं यहां पर यूज में ले रहा हूं, तो इनका गुणा और इनका गुणा सेम ही तो आने वाला है। बस आपने यहां पर गलती कर दी गुणा भाग में तो नहीं मिलेगा, वरना मिलता है। या आपने सही से लसपक मसपक याद नहीं किया, गुणा गलती से सही नहीं किया, तो फिर आपके वहां पर मिलेगा नहीं लास्ट में। तो गुणा भाग का आपको आना चाहिए, दसवीं पढ़ रहे हो तो गुणा भाग तो आएगा ही आपको, ये भी नहीं आता है उसके अलग सिचुएशन पढ़ाऊँ तब है।